यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि आई एस का हमारा यहाँ पर टेस्ट रहेगा, ठीक है, दृष्टि आई एस का मेंटरशिप टेस्ट है, ये आपका 11 नंबर टेस्ट है, राइट। तो इस 11 नंबर टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे, क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। जो 10 तक ऑलरेडी टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 11 नंबर टेस्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, राइट। बड़े चालू खाते और राजकोषीय घाटे, अनुचित स्तर पर नियत विनिमय दर, प्राकृतिक आपदा, इनमें से कितनी जो स्थिति हैं, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी देश को अपनी ऋण सुविधा का विस्तार करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एक तो आपका यहाँ शामिल होगा बड़े चालू खाते और राजकोषीय घाटा, ठीक है। उसके बाद अनुचित स्तर पर विनिमय दर, राइट, प्राकृतिक आपदाएँ, ये भी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लास्ट जो यहाँ पर लिखा है, पड़ियों की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव, ये भी यहाँ पर इसका शामिल होगा। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, ये आपके जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं इसकी ऋण सुविधा का विस्तार करने की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो आपका होता है AIIB, उसके संबंध में आपको विचार करना है। पहला, ADB एक विकास बैंक जो केवल एशियाई देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को क्या बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका आपका जो ये पहला जो बोल रहा है यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहला, क्योंकि जो ADB है इसका नेतृत्व तो मुख्य रूप से जापान करता है, जबकि AIIB जो है इसका चीनी नेतृत्व वाली यहाँ पर संस्था होती है, जिसका 26% या 26.6% इसका जो शेयर धारक है उसके साथ चीन यहाँ पर सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो होता है, ठीक है। ऐसे ही जो आप और प्रशांत देश हैं उसमें से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक स्थापित एक विकास बैंक है, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ से ये गलत होगा। दूसरा, ADB को वैकल्पिक रूप से ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि ADB को वैकल्पिक रूप से ब्रिक्स बैंक के रूप में नहीं जाना जाता, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक को आमतौर पर ब्रिक्स के बैंक रूप में जानते हैं। ADB की तुलना में AIIB की अधिक सदस्य हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा आपका सही, क्योंकि एशियाई विकास बैंक जो आपका ADB है उसमें 68 सदस्य हैं, ठीक है, जबकि एशियाई और संरचना निवेश बैंक जो आपका AIIB उसमें 109 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। AIIB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, ठीक है। चौथा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि AIIB का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। NDB ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, NDB का मुख्यालय शंघाई चीन में, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बातें क्या हमारी NDB के बारे में करेक्ट हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक जो साझेदारी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। RCEP दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और उसके साथ FTA भागीदार के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत होगा, राइट, क्योंकि जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और उसके 5 FTA भागीदारों के बीच एक मुफ्त व्यापार है, ना कि 7। कोई भी यूरोपीय या दक्षिणी अमेरिकी देश इस साझेदारी का पक्षकार नहीं है, ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ओनली दो करेक्ट, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। मर्कोसुर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एक ट्रेड ब्लॉक है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा पांचवे का क्या हो जाएगा, पांचवे का आंसर हमारा डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र, ठीक है। अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मर्कोसुर या दक्षिणी आम बाजार एक दक्षिण अमेरिकी ट्रेड ब्लॉक या आर्थिक राजनीतिक संघ होता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 में अर्जेंटीना और ब्राजील पराग्वे उरुग्वे द्वारा यहाँ पर की गई थी, राइट। छठा नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। वर्ष 1997 का पूर्वी एशियाई संकट पूंजी खाता उदारीकरण का परिणाम था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि एशियाई जो पूर्व में के पूर्वी जो एशिया है उसमें वर्ष 1997 का मुद्रा संकट था, कुछ परिसंपत्तियों में पूंजी खाते का उधार बनाने के खतरों पर यहाँ पर प्रकाश डालता है। इससे प्रभावित देश में उधार वित्तीय और पूंजीगत क्षेत्र ये तो लेकिन विशेषज्ञता या फिर उचित रूप से इसे विनिमय करने का अभाव था, ठीक है। तो पहला ऐसे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता हमेशा प्रतिबंधित, ठीक है, अप्रतिबंधित विनिमय दर अस्थिरता की ओर ले जाती है, राइट। सेकंड आपका गलत है, क्योंकि पूर्णता परिवर्तनीय मुद्रा को अपनाना एक ठोस संकेत है कि देश के उसकी बाजार को, ना कि अप्रतिबंधित होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा आपका, ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से हमारा छठे का आंसर हो जाएगा। सातवां, नेशनल ट्रीटमेंट विश्व व्यापार संगठन WTO का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा सातवें का आपका हो जाएगा, जो एक सुनिश्चित करता है कि आयातित और घरेलू
स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के साथ समान व्यवहार किया जाए, राइट, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल जॉब पर ट्रीटमेंट सिद्धांत कहता है कि जो WTO है वे सदस्यों को आयात और घरेलू जो उत्पाद है उसके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, राइट। आठवां यहाँ से क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आसियान में मलेशिया और थाईलैंड सहित 10 जो सदस्य देश हैं वो क्या है, शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका मुख्यालय जकार्ता में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ये भी करेक्ट है। आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकें वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकें वर्ष में 2 बार एक समय पर आयोजित यहाँ पर की जाती है, जिसका निर्धारण आसियान शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कितने देशों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 9वें का यहाँ से हो जाएगा आपका। देखो किसने किसने किए, एक तो आपका भारत श्रीलंका, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, भारत का श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, मलेशिया के साथ यहाँ पर मुक्त व्यापार है, ठीक है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को कई बाधाओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा था, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ से है, भारत होगा श्रीलंका, भारत में श्रीलंका, ठीक है, और आपका जापान, राइट, मलेशिया, और आपका यहाँ से सिंगापुर, ठीक है। तो ये जो था ये यहाँ पर इसका नहीं होगा 5वां, ठीक है, ओनली 4 करेक्ट होंगे। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत के विदेशी ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, दीर्घावधि के जो विदेशी ऋण है कुल ऋण का लगभग 20% होता है, कितना होता है, कुल ऋण का लगभग 20% होता है। तो हमारा 10वें का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा आपका, राइट। पहला गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्पावधि ऋण है करीब यहाँ पे इसका 20% या नहीं होगा, इसमें आपका यहाँ से हो जाएगा करीब 80% से ऊपर, ठीक है, 70% से ऊपर 80.4% होगा, तो 20% यहाँ इसका नहीं होगा, ठीक है। अगला है, अल्पावधि ऋण कुल ऋण के लगभग 80% है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90% इसका हिस्सा है ना कि 80%। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से 11वां नंबर क्वेश्चन है, बफर स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है, बफर स्टॉक का तत्पर मूल रूप से उतार चढ़ाव और प्रत्याशित आयात स्थिति की भरपाई के लिए यहाँ पर कम्युनिटी से रिजर्व होगा, ठीक है, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत यहाँ पर पेश किया गया था, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये सेकेंड यहाँ से इसका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, पांचवी नहीं थी, ये चौथी थी यहाँ पर, ठीक है, तो इस वजह से सेकेंड हमारा गलत हो गया है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 11 का ओनली 1 करेक्ट होगा, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व के द्वारा संचालित यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ से 12वां नंबर का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से खाद्यान्न खरीद की और खरीद उत्तरदायित्व रखती हैं, ठीक है। सेकेंड यहाँ से आपका गलत, क्योंकि केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, ठीक है, ना कि राज्य सरकार से, तो पहला से यहाँ सिर्फ करेक्ट होगा इसका। 13, ई चरक निम्नलिखित में से किसको किसका एक सर्वोत्तम रूप यहाँ पर बताता है, या किसको सर्वोत्तम रूप से इसको वर्णन करता है, सही वर्णन करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 13 का हो जाएगा आपका। ये औषधि पौधे के क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारक के बीच सूचना आदान प्रदान को सक्षम करने का एक मंच है, ठीक है। तो 13 का हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई चरक क्या, जड़ी बूटी सुगंधित जो कच्चे पदार्थ हैं, ठीक है, उनके ज्ञान के लिए ई चैनल जो औषधि पौधे क्षेत्र के लिए शामिल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ई चरक के उपयोग क्या क्या, जैसे कि आप औषधि बनाने में, ठीक है, और औषधि पौधे क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर उत्पाद को सेवा को प्रदान करना, राइट, तो यहाँ पर इसके उपयोग हो जाएंगे। यहाँ से 14वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का औपचारीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसका उद्देश्य बैकवर्ड एवं ब्लॉक फॉरवर्ड जो लिंकेज है उसके संबंध में सुधार करना तथा मूल श्रृंखला के विकास को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो 14 का हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, ये योजना अपशिष्ट उत्पादों को लघु वन उपज और आकांक्षी जिलों पर केंद्रित है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, दोनों बातें हमारे प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना है उसके बारे में एकदम करेक्ट है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ये देखो ये जो योजना है 29 जून 2020 को यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, चलाई जा रही है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पहल के तहत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र यहाँ पर शुरू किए गए हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला आपके यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रसायन उर्वरक जो मंत्रालय उसके तहत यहाँ पर किया गया ना कि कृषि कल्याण मंत्रालय के तहत। सरकार ने उर्वरक पर ई पत्रिका इंडिया एच यहाँ पर लॉन्च किया, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तुम्हारा बी आंसर होगा 60 नंबर। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ठीक है, सूरजमुखी के बीज, रामतिल, तिल, गरी, कोपरा, इनमें से कितनी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत आती हैं इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्योंकि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 16 का डी, ठीक है। सूरजमुखी बीज, तिल, रामतिल और गरी कोपरा जो है ये सभी आपकी न्यूनतम समर्थन MSP के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। 17 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, CACP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी अनिवार्य भूमिका को देखते हुए इसके सुझाव को सरकार के लिए बाध्यकारी यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके सुझाव पर सरकार बाध्यकारी नहीं है। इसमें गैर और अधिकारी जो सदस्य हैं कृषक समुदाय से प्रतिनिधित्व का होता है, ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है संरक्षण कृषि के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्थायी या अर्धस्थायी मृदा आवरण का रख रखाव, खेती न्यूनतम जुताई, ठीक है, जो जैविक बाधाएं उसको संबोधित करने के लिए नियमित फसल चक्र, एकल कृषि पद्धतियां, इनमें से कितने हैं जो संरक्षण कृषि के घटक हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने संरक्षण हैं जो कृषि के घटक हैं, राइट। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, इनमें से देखो पहला जो स्टेटमेंट है आपका, इनमें से जो तीन प्रमुख सिद्धांत है जिसमें साझा कर, देखो स्थायी या अर्ध स्थायी जो मृदा का आवरण है, एक तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा खेत की न्यूनतम जुताई, एक ही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपके यहाँ से जो जैविक बाधा है उसको संबोधन करने के नियमित फसल चक्र, ये जो एकल कृषि, ये आपके यहाँ पे नहीं होगा, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 19 नंबर। कृषि उपज मंडी समिति APMC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अधिकांश APMC में खरीदारों को सभी खरीद लाइसेंस प्राप्त आड़तियों के माध्यम से करनी होती है, ठीक है, 19 के यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा मंडी शुल्क बिक्री के मूल्य पर 0.5 से 5% तक होती है, हालांकि ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। 20 नंबर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्राथमिक जो कृषि ऋण है समिति, ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समिति, जो त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना, इसमें अंतिम कड़ी के रूप में यहाँ पर ये कार्य करती हैं, ठीक है। तो 20 जो स्टेटमेंट है हमारा, 20 का पहला यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SCB से ऋण जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की को अंतरित कहता है, जो प्राथमिक कृषि समिति के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ये आपको याद रखना, जो प्राथमिक कृषि ऋण ये इसमें होगा, ठीक है, तो दोनों हमारे सही हैं यहाँ से। 21 दक्षिणी महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये अन्य सभी महासागरों की सीमा साझा करने वाला एकमात्र महासागर है, ठीक है। तो 21 का यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 21 का जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि दक्षिणी महासागर एकमात्र महासागर जो तीन अन्य महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागरों को छूता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ड्रेज पैसेज और स्कोटिया सागर एक महासागर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्रेक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़कर 60 डिग्री जो अक्षांश है उस तक जो अंटार्कटिका को घेरने वाला अधिकांश जली क्षेत्र नव स्वीकृत दक्षिणी महासागर का निर्माण करता है, तो इस वजह से हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा, आंसर हमारा 21 का डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 22 दक्षिणी महासागर किस डिग्री अक्षांश पर के पार स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 22 का हो जाएगा आपका बी, 60 डिग्री या 60 डिग्री दक्षिण, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन है, सिरोही पॉइंट अंटार्कटिका में एक रॉक पॉइंट है जो स्थित है, ठीक है, कहाँ पर। करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा आपका ए, एलिस ग्लेशियर की सीमा के उत्तर की ओर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र अन्य तीन समान के समान स्थित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा आपका बी, हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री अन्य तीन अनुसंधान केंद्रों की तरह अंटार्कटिका में स्थित नहीं है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, और भारतीय सभी अनुसंधान के अंटार्कटिका में स्थित हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका में अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 25 का हो जाएगा पार अंटार्कटिक पर्वतमाला, ठीक है। 26 कुकीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ये डिजिटल जगत
के महत्वपूर्ण घटक हैं जो वेबसाइटों पर लॉगिन की जानकारी, प्राथमिकताएं और इंटरेक्शन संग्रहित यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये व्यक्तिकरण को सक्षम करते हैं, जैसा कि अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है कि जो इनका अनुप्रयोग होता है उनमें उत्पादों की खरीद और प्रभावित करने के लिए करते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे सेशन कुकीज वेबसाइटों के लिए पोस्ट इट नोट्स की तरह अस्थाई कुकीज हैं। ठीक है, तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 27, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन एक, भारतीय पेंगोलिन भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची एक और सिटीज के परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, अपने सांस्कृतिक महत्व के कारण ये विश्व में सबसे कम तस्करी वाला अन्य वन्य जो स्तनधारी में से एक माना जाता है। सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि ये अवैध तस्करी में पेंगोलिन आबादी के लिए उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरे को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है यहाँ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 का, 27 का हमारा एक सही है और दूसरा गलत है, राइट। तो इस टाइप से आंसर हमारा सी होगा यहाँ से। ठीक है, 28 नंबर, फिश मिंट विशिष्ट जड़ी बूटी है, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, क्यों इसको जड़ी बूटी मानते हैं। ठीक है, इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको बताना है। ये है क्योंकि ये अपने मछली जैसे स्वाद और सुगंध के लिए यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 29, कच्चे हीरे के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये अपने प्राकृतिक रूप से बिना तराशे पॉलिश किए और असंधारित हीरे होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो 29 है यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इन हीरो का खनन भूमि से किया जाता है या इनका निष्कर्षण जलोढ़ निक्षेप जैसे अन्य स्रोतों से भी किया जाता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, किम्बरले प्रक्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण योजना जो कच्चे हीरे के व्यापार को नियंत्रित करती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। सरना धर्म के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। इसके अनुयायी प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तेलंगाना में बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय द्वारा इस धर्म का यहाँ पर पालन किया जाता है, राइट। सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में यहाँ पर करते हैं, ना कि तेलंगाना में। तो ए यहाँ से इसका आंसर हो गया। 31, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट सूचना एक मूल इकाई होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं का तेजी से हल करने के लिए क्लासिफिकेशन या क्लासिकल यांत्रिकी का उपयोग यहाँ पर करता है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि ये क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में कुछ गणना को अधिक अकुशल, ठीक है, अधिक कुशलता से, ठीक है, करने के लिए सुपर जो पोजिशन है उसकी जैसी घटनाओं का लाभ उठाता है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड आपका गलत हो जाएगा, राइट। तीसरा, फ्लक्सोनियम एक नए प्रकार का सुपर कंडक्टिव क्यूबिट है जो अधिक सटीकता के साथ क्यूबिट्स के बीच संचालन करता है और इसका जीवन काल कम होता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि इन्हों जो फ्लो आपका फ्लोक्सिनियम है नमक अपेक्षा कर एक नए प्रकार का जो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट है इसका उपयोग किया जाता है जो जिसका जीवन काल पारंपरिक सुपर कंप्यूटर की तुलना में लंबा होता है। ठीक है, काफ़ी अधिक होता है, यहाँ पे कम नहीं होता है इसका। ठीक है, एक एक पॉइंट याद रखना है। देखो, बाकी पूरा स्टेटमेंट आपका सही था, सिर्फ ये कम जो लिखा था यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल वन, केवल एक करेक्ट है। 32, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ये बंगाल की खाड़ी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बने डेल्टा में से एक मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बांग्लादेश का सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका अभी करेक्ट होगा। तीसरा, ये विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहाँ बाघ रहते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा यहाँ से इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुंदरबन विश्व का मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र है और एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहाँ बाघ यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में बंगाल टाइगर की आबादी जिसे सुंदर वन बाग के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, अनुकूल क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना, ठीक है, और दूसरा है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं को आयात करना, मुद्रा पूर्वानुमान को रोकना, बैंक खाता जो सुरक्षा है उसको प्राप्त करना, जरूरत पड़ने पर रुपए को संरक्षित करना। ठीक है, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार
कि उपयुक्त में से कितने संभावित लाभ हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 33 हो जाएगा। ये सभी पांचों, जो सभी पांच हैं, ये उच्च विदेशी जो आपके मुद्रा भंडार हैं उसको उपयुक्त करने के संभावित लाभ हैं हमारे। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 33 हो जाएगा, डी। राइट, अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक टीबी को पूर्णतः उन्मूलित करना है। ठीक है, तो 34 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ष 2025 का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लक्ष्य इसका क्या था, 2025 तक टीबी को उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी यह कार्य कर रहा है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा 30। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के टीबी रोगियों को शामिल यहाँ पर किया जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। निक्षय मित्र एक सरकारी परियोजना जो लोगों को पोषण चिकित्सा आवश्यकताओं को ख्याल रखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, दो यहाँ बातें करेक्ट हैं, तो बी यहाँ से आंसर होगा केवल दो। 35 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सामाजिक बॉन्ड एक प्रकार का वित्तीय साधन है जो सामाजिक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत में सामाजिक बॉन्ड को जारी करने की अनुमति केवल सरकारी अभिकरणों को है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट ऐसे गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं को यहाँ पर दिए गए। ठीक है, ओनली सरकारी को नहीं, तो ओनली वन करेक्ट है। 36 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। फसल सुरक्षा, उर्वरक, मृदा की गुणवत्ता में सुधार, जल शोधन, प्रदूषण नियंत्रण, ब्रीडिंग, इनमें से कितने कृषि नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 36 का हो जाएगा आपका डी। ये सभी हैं जो हमारे नैनो प्रौद्योगिकी की जो कृषि उसमें यहाँ पर अनुप्रयोग करने के लिए सक्षम है। 37 नैनो मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर एक मिशन यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इस मिशन का लक्ष्य परमाणु ईंधन आधारित नैनो हथियार यहाँ पर बनाना। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका है सेकेंड आपका गलत होगा क्योंकि जो मिशन परमाणु है ठीक है उसमें आधारित नैनो हथियार बनाने का कोई यहाँ पर प्रावधान इसमें नहीं था। तीसरा, यह मिशन नैनो प्रौद्योगिकी के विकास में गोपनीयता आधारित आत्मनिर्भर पर केंद्रित होगा। राइट, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी गलत है क्योंकि एक ये वैश्विक मंच प्रदान करता है। राइट, तो ये हमारा यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, तो ए हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा नैनो मिशन के बारे में। नैनो माइस सेल्स जो कि एक नया आविष्कार है, इसका उपयोग किया जाता है किसमें? ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है दवा के अणुओं को पहुंचाने के लिए उत्तम वाहक के रूप में यहाँ पर इसको यूज करते हैं। इम्प्रिंट, ठीक है, IMPRINT इम्प्रिंट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इम्प्रिंट को लागू करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग जो अनुसंधान है बोर्ड सर्व इसको नोडल एजेंसी के यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पहल केवल नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित रहेगी। राइट, सेकेंड यहाँ से गलत होगा क्योंकि इम्प्रिंट में कथन जो हमारा इम्प्रिंट जो हमारा है दो इसके में दी गई जो धारणा है उसमें विपरीत पूर्णता जो नैनो विज्ञान है उसमें केंद्रित नहीं है। इसकी वजह इसमें उन्नत सामग्री, ऊर्जा और आपका पर्यावरण विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा, सूचना संचार, राइट, विनिर्माण, नैनो जो आपके प्रौद्योगिकी है वो, हार्डवेयर सुरक्षा, इन सब में क्या ये विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। तो ये हमारा ये सिर्फ पहले नैनो के बारे में इसमें नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ पर बोला है पहले नैनो विज्ञान की प्रौद्योगिकी पर केंद्रित नहीं होगी, इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान और व्यवहार प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, तीसरा आंसर स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, दो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, अस्पतालों में पूर्वानुमानित अवधारणा। दूसरा, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए स्वचालित ग्राहक की सहायता एल्गोरिदम का उपयोग करके चिकित्सा स्थितियों का निदान करना। चौथा है, चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला का माल सूची प्रबंधन। इनमें से कितनी गतिविधियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा की जाती हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 40 का हो जाएगा आपका डी। ये सभी जो आपकी गतिविधियाँ हैं ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा यहाँ पर ये इसकी की जाती हैं। ठीक है, तो हमारा चारों स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ से। 41 अखिल भारतीय रोबोटिक्स जो आपका है ऑटोमेशन परिषद उसके बारे में आपको विचार करना है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। राइट, तो यहाँ से 41 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये रोबोटिक्स जो ऑटोमेशन परिषद है ये एक गैर लाभकारी संगठन जो रोबोटिक्स जो आपका ऑटोमेशन तथा शिक्षा में मानक स्थापित करने के साथ साथ 3500 से अधिक सदस्यों गठबंधन को यहाँ पर जो होती है उसकी सहायता करती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पहला गलत हो जाएगा।
इसका उद्देश्य रोबोटिक्स और ऑटोमेशन क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान विकसित करना होता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान को विकसित करना, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, विकसित करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। दोनों गलत हैं, डी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 42, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विमी पैमाना का आकार संदर्भ में नैनो कण की विशेषता को बताता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 42 का यहाँ से हो जाएगा आपका, 42 का आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा, 1 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। देखो नैनो कण की विशेषता उनका जो अत्यंत सूक्ष्म आकार है जो कि आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है, तो ए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 43, इसरो के आगामी मिशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसरो के इनसेट 3DS मिशन के उद्देश्य केवल बेहतर जो दूरसंचार सेवाएं वो यहाँ पर प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनसेट 3D मिशन जो है भारत का मौसम विज्ञान जो जलवायु वेशाला उपग्रह उसकी श्रृंखला के रूप में उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा, ना कि इसका बेहतर उद्देश्य, ठीक है, ये दूरसंचार। एक्सपोसेट मिशन, ठीक है, एक्सपोसेट मिशन मौसम विज्ञान आधारित एक आपदा प्रबंधन ध्यान में रख केंद्रित करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो सेकेंड आपका यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये सेकेंड जो आपका है ये जो उपग्रह हैं उसमें खगोलीय जो एक्सरे हैं उत्सर्जन है उसके अंतरिक्ष जो यहाँ पर ध्रुवीकरण है उसके मापन के लिए यहाँ पर ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये गलत होगा, इसका दोनों गलत है, आंसर हमारा डी 43 का। 44, आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत, इक्वाडोर, स्पेन ने समझौते पर क्या हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये कब किए थे, ये 2023 में किए थे। समझौते ने नागरिक अन्वेषण एवं बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग के प्रशासन के संबंध में व्यवहारिक दिशा निर्देश यहाँ पर सूचीबद्ध हैं, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नागरिक अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग के लिए प्रशासन के लिए 13 व्यवहारिक दिशा निर्देश यहाँ पर करने की आवश्यकता बताई गई इसमें। तीसरा, समझौते के दस्तावेज में विशेष रूप से चंद्र और क्षुद्र ग्रह संसाधनों को वाणिज्यिक दोहन या खनन का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से चंद्र और क्षुद्र ग्रह के जो संसाधन है वाणिज्यिक दोहन या खनन का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट हैं, बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मानव अनुकूलित LVM3 रॉकेट का उपयोग कक्षीय मॉड्यूल को निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा बेंगलुरु में स्थापित की गई है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे, सी आंसर। 46, निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना। इसरो केंद्र और आपकी अवस्थिति। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS क्या बोला है इसका, इसका बोला ये हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ से पहला ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ से देहरादून में होगा। इसरो प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरी, ठीक है, सेकंड आपका यहाँ से सही है। इसरो दूरमिति अनुवर्तन आदेश बेंगलुरु, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है, दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से। 47, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंसोर्टियम रूट के तहत भारतीय उद्योग में माध्यम से PSLV उत्पादन करने की नोडल एजेंसी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 47 का आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2019 में शामिल किया गया था। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि ये जो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है इसको मार्च 2019 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो हमारी गलत हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान में के रूप में कार्य नहीं करता है। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त अभिकरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। चौथा, इन स्पेस को निजी संस्थाओं कि सभी इस अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों के लिए एकल खिड़की अभिकरण ग्रुप में यहाँ पर स्थापित किया गया, मतलब सिंगल विंडो में। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपके यहाँ से ये भी करेक्ट है, तो हमारे सिर्फ यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। 48, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्थलीय और हवाई समुद्र नौवहन, ठीक है, आपदा प्रबंधन मानचित्रण और आपके जियोडेटिक डेटा कैप्चर मोबाइल फोन के साथ एकीकरण, इनमें से कितने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के अनुप्रयोग हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये सभी क्या है, हमारे जो भारतीय क्षेत्र के नौवहन उपग्रह प्रणाली है उसके अनुप्रयोग हैं। 49,
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विखंडन उत्पादों से बीटा उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो विद्यमान होते हैं, जो अक्सर गामा किरणों और एक्सरे के साथ यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 49 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संलयन और विखंडन दोनों अभिक्रियाएं शामिल नाभिक बंधन ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है? आंसर हमारे यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का निर्माण उपयोग किए गए संयंत्र ईंधन से प्राप्त प्लूटोनियम को ह्रासित यूरेनियम डिप्लेटेड यूरेनियम के साथ मिलाकर इसको किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दूसरा, प्राकृतिक यूरेनियम 235 साधारण इसका 99.27 होता है, तो ये गलत होगा क्योंकि जो ये यूरेनियम 238 है इसका यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो ये गलत बता रहे हैं यहाँ पर इसका, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर है, यूरेनियम रेडियोधर्मी विखंडी पदार्थ है जिसका उपयोग सीधे संयंत्रों के परमाणु ईंधन के रूप में यहाँ पर इसका किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपको जो रहेगा ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर भी तीसरा, क्योंकि ये बोल रहा है कि विखंडनी जो होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ होने के साथ साथ इसका जो थोरियम की है उसकी प्रकृति तुलना में ये प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। तो ओनली वन यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा 50 का। ठीक है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 51, पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा हिमनद स्थित है। ठीक है, तो 51 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा ये सॉरी स्टेटमेंट नहीं बोला है, इसमें बोला पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो लेबर्ट हिमनद इसका यहाँ पर सबसे जो बड़ा हिमनद ये। ठीक है, अगला देखते हैं 52, अंटार्कटिक प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किन सागरों के मध्य स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 52 का हो जाएगा आपका सी, आपका वेलिंग्सहॉसन जो सागर है तथा वेडल सागर, ये आपका क्या है अटलांटिक प्रायद्वीप में स्थित दो सागर के मध्य स्थित है। अगला है थ्वाइट्स हिमनद जिसे डूम्सडे हिमनद के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रवाहमान है जो प्रवाहमान होता है कहाँ पर, करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का हो जाएगा आपका ए, ये अंडमान सागर में। ठीक है, अंडमानी आमंडसन सागर में, राइट। 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विंसन मैसिफ अंटार्कटिका का सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ से जो हमारा 54 का पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से जो है इसका 4892 मीटर, लगभग कितना 16,000 फीट बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है रॉस आइस सेल्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी यहाँ पर आइस सेल्फ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ए भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। यहाँ से 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो इसमें क्वीन मैरीलैंड, ठीक है, और क्या है माइक रॉबर्टसन एंड स्पिट्सबर्गन और आपका स्वालबर्ग। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोलो कि इसमें से कितनी अंटार्कटिका में स्थित हैं, राइट। तो अंटार्कटिका में कितने, सर इसमें यहाँ से केवल दो होंगे, एक तो आपका मैरी क्वीनलैंड अंटार्कटिका में और दूसरा आपका मैक रॉबर्टसन जो अंटार्कटिका में स्थित है, सिर्फ दो यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 55 का हमारे यहाँ से दो इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, फिफ्टी सिक्स है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अराबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन्हें सरकार प्रायोजित क्षेत्रीय आधारित ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 56 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, ये तीन प्रायोजक संस्थाओं के बीच अराबी की शेयर धारिता होती है जो केंद्र सरकार के प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार के बीच इनका 75-15 और 10 के अनुपात में यहाँ पर होता है। सेकेंड आपका गलत होगा क्योंकि केंद्र सरकार प्रायोजक बैंक में राज्य सरकार के बीच 50-35 और 10 होता है। ठीक है, ना कि ये, ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ओनली वन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 57, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जलवायु बैंक, ठीक है, नाबार्ड, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी है, राइट। तो 57 का आपका पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जिला स्तरीय ऋण योजना तैयार करता है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योगों को निर्देशित एवं प्रेरित किया जा सके, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है, तो सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल मिशन जो आपका है उसके बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। पहला स्टेटमेंट है, इसे समुद्री शैवाल की व्यवहारिक कृषि के रूप में यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो 58 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका लक्ष्य 1 हेक्टेयर में मॉडल फॉर्म स्थापित करना था। ठीक है, सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बड़े पैमाने पर कृषि के लिए बीज सामग्री को जो आपूर्ति होती है उसमें समुद्री शैवाल की नर्सरी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें हमारे समुद्री शैवाल के बारे में एकदम करेक्ट हैं। 59 नंबर, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है।
पहला स्टेटमेंट यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्सिडी, ठीक है, प्रत्यक्ष सब्सिडी में किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, समूह या उद्योग के लिए कोष का वास्तविक भुगतान शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो 59 है इसका यहाँ से हमारा स्टेटमेंट पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अप्रत्यक्ष सब्सिडी वे हैं जिनका पूर्व निर्धारित मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, सेकंड आपके यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं जो प्रत्यक्ष सब्सिडी इसके बारे में। अग्रणी बैंक योजना LBS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसी वर्ष 1969 में पेश किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका जो 60 नंबर है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इन्हें अलग अलग बैंकों को आवंटित जिले के लिए प्रमुख दायित्व सौंपने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हैं अग्रणी योजना के बारे में। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 61, भारत में नीली क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 61 का पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। मछली और समुद्री खाद्य जो आपका पदार्थ है उसमें सर्वाधिक कारोबारी खाद्य वस्तुओं में शामिल होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकेंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, ये 26.46% की हिस्सेदारी के साथ संयुक्त जो राज्य अमेरिका है उसके भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार यहाँ पर है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट हमारा ये जो रहेगा ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो बी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 62, दालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना। भारत में विश्व का दालों का सबसे बड़ा उत्पादन और यहाँ पर उपभोक्ता है। ठीक है, पहले यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सेकंड, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी हमारा 62 का आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला कथन एक, भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि और कृषि उत्पादन के बावजूद आबादी का गरीब वर्ग भूख और भुखमरी से पीड़ित है। ठीक है, तो 63 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा, कृषि उत्पादन में अस्थिरता खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है जो कि आय समूह में प्रतिकूलता का प्रभाव डालती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं, लेकिन क्या इसकी व्याख्या ही नहीं कर रहा, क्योंकि GDP के बारे में बात करो यहाँ पर ये इसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। बातें दोनों इसकी करेक्ट हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। 64, कपास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके विकास के लिए 210 पाला रहित दिवस और तेज धूप की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, तो 64 के यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, सिल्वर फाइबर क्रांति भारत में कपास को बढ़ाने के लिए सरकार की पहल है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं, भी करेक्ट है, तो सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 64 का। 65, फसल अवशेष प्रबंधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की यहाँ पर योजना है। ठीक है, पहला यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य किसानों की सहायता करके पराली दहन की समस्या का समाधान करना, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर सी। 66, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निजी प्रेषण, बाह्य ऋण पर ब्याज, बाहर अनुदान, सब्सिडी में से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय उपरोक्त में से कितने खंड विदेश आय से शामिल है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से इसका 66 का हो जाएगा आपका सी, केवल 3, इनमें से आपका निजी प्रेषण हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो बाहर पर ब्याज है ये, और आपका ये अनुदान। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सब्सिडी नहीं होगा, तो 3 नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 67 है, मुद्रा परिवर्तनीयता निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 67 का हो जाएगा। ये घरेलू मुद्रा को अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्राएं जो होती हैं उनको बदलने कि इसके विपरीत जो करने की श्रृंखला को संदर्भित करती है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 67 का। ठीक है, यहाँ से 68 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। व्यापार समझौते का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक सहयोग को क्या बढ़ावा देना। ठीक है, पहला यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला है, अधिमान्य व्यापार समझौते मुख्य रूप से घरेलू जो उद्योग हैं उसकी सुरक्षा के लिए टैरिफ बढ़ाने पर यहाँ पर केंद्रित होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड आपका गलत होगा यहाँ से, क्योंकि अधिमान व्यापार समझौते इस प्रकार के समझौते जो दो से अधिक भागीदार को कुछ उत्पाद के प्रवेश के अधिमान अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सहमत टैरिफ संख्या में लाइन जो होते हैं लाइनों को शुल्क कम करके इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका गलत होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO व्यापार वार्ता विवाद समाधान सुविधा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दो हमारे करेक्ट है, पहला और तीसरा सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 69, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
टैरिफ कटौती, गैर टैरिफ कटौती बदलाव को हटाना और वस्तुएं सेवाओं के बीच सीमा की आवाजाही की सुविधा, मुक्त व्यापार समझौते की सीमाएं, सामान्य सीमाएं जो होती हैं, सामान्य विशेषताएं होती हैं इसकी, ठीक है। दूसरा है बैंकॉक समझौता, एक अधिमान्य व्यापार समझौता है जिसमें भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका भागीदार सदस्यों के रूप में शामिल होता है, ठीक है। सेकंड गलत हो, क्योंकि जो हमारे समझौते हैं इसमें वर्तमान सदस्य बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और लाओस, श्रीलंका यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली वन यहाँ से हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 70 भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। बैंकों की विदेशी मुद्रा जमा और बाह्य जो बांड पूंजी खाते हैं उसका हिस्सा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा अंतरण भुगतान वे रसीदें जो किसी देश के निवासियों को शुल्क यहाँ पर निःशुल्क प्राप्त होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपसे अभी आपका करेक्ट है। तीसरा वस्तुओं के आयात निर्यात के संतुलन को व्यापार को संतुलन व्यापार संतुलन कहा जाता है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे जो भुगतान संतुलन के संबंध में एकदम करेक्ट है। यहाँ से 71 क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है, ठीक है। तो पहला क्या, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा राज्यपाल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां संविधान उसे विवेकाधिकार की शक्तियां देता है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का प्रकार करता है, राइट। तो सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा राज्य या राष्ट्र के शासन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की शक्ति अनिवार्य रूप से राज्य की निर्वाचित शाखा को सौंप दी जाती है, ठीक है। तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो तीनों बातें यहाँ से हमारी एकदम करेक्ट हैं। 72 ई स्पोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ये संगठित प्रतिस्पर्धी वीडियो गेमिंग को संदर्भित करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो आपका 72 का रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसकी आधिकारिक शुरुआत टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, राइट, क्योंकि ई स्पोर्ट्स आधिकारिक तौर पर एशियन गेम 2023 जो हांगझो चीन में हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें केवल व्यक्तिगत खेल शामिल हैं और टीम खेल नहीं, इसमें टीम खेल नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत खेल यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत या टीमें दोनों शामिल इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है यहाँ से हमारा। 73 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जन समाचारों में रहा स्पार्टम, ठीक है, स्पार्टम मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसमें, ये उपयोग किया जाता है आपका कृत्रिम जो मधुरक है उसके रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो आपका स्पार्टम एक कृत्रिम जो रासायनिक मधुरक होता है जिसका उपयोग 1980 के दशक में विभिन्न खाद्य पेय पदार्थों में व्यापक रूप से यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए इसका, बी इसका आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि बाग अब जो आपका आरक्षित है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये स्थित है कहाँ पर, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 74 का हो जाएगा आपका ए बिहार, ठीक है। बिहार के दूसरे बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को यहाँ पर शामिल किया गया जिसका संचालन वर्ष 2023 के अंत या वर्ष 2024 की शुरुआत में होने की उम्मीद है इसमें। अगला 75 नंबर, नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, इसे आंध्र प्रदेश के विराज पशु के रूप में क्या नामित किया गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के नामित नहीं किया गया, ये तमिलनाडु के नामित किया गया। ये भारत के पूर्वी घाट की स्थानिक पर्वतीय बकरी की एक प्रजाति है, ये गलत है, क्योंकि ये नीलगिरी तहार जो है पूर्वी घाट की स्थानिक प्रजाति नहीं बल्कि ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है जो नीलगिरी अन्नमलाई की पहाड़ियों पर ऊंची घास में पाया जाता है। तो सेकंड गलत हो जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आयोजन की जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्त प्राय के सूचीबद्ध में यहाँ पर शामिल किया गया। तीसरा आपका करेक्ट है, ठीक है, जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची एक के तहत। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर हो गया। 76 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, UNFPA, इसके संबंध में पहला ये वैश्विक जन प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा ये संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक प्रमुख सदस्य है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो आपका SDG होता है उसमें इसकी प्राप्ति के लिए विशेष यहाँ पर जो स्वास्थ्य लैंगिक समानता है इस पर क्या है कम करने के लिए सक्रिय योगदान देता है। तीसरा ये अपनी स्थापना के समय से ही भारत में कार्यशील है। तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि ये 1974 में भारत के प्रचलन यहाँ पर शुरू किया गया, उसके बाद से शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ पर आपका जो होगा आंसर 76 का आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से हमारे देखो दो सिर्फ करेक्ट हैं, ये और एक ये, तो दो आंसर हो गए यहाँ से। 77 गोवर्धन योजना, ठीक है, गोवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ये एक बहु मंत्रालयी प्रयास है जिसका उद्देश्य मवेशियों के गोबर
कृषि अवशेषों और बायोमास को बायोगैस और जैविक खाद जैसे जो मूल्यवान संसाधन है उसमें बदलना, ठीक है। तो यहाँ से 77 का आपको यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पहल मृदा स्वास्थ्य, कार्बन सामग्री और जल प्रतिधारक सुधार के लिए जैव घोल के उपयोग को बढ़ावा देती है, ठीक है। सेकेंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 78, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS जैव ईंधन पर मानक विकसित करने पर काम नहीं करता है, राइट। पहला यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो BIS दूसरी PDI की जैव ईंधन है उसमें फीड स्टॉक से हरित डीजल जो है उसके लिए एक मानक पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये गलत हो जाएगा, जैव ईंधन पर नहीं होगा, ठीक है। G7 के जो प्रमुख ग्लोबल बायोफ्यूल हैं अलायंस, उसमें बनाया गया जिसका उद्देश्य विश्व भर में जैव ईंधन को अपनाना और सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि G20 नेताओं को ने नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें GBA का गठन किया था। GBA का उद्देश्य होता है विश्व भर में जैव ईंधन अपनाने का सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो बायोफ्यूल को नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकेंड में गलत हो गया। तीसरा, भारत, अमेरिका और ब्राज़ील वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन प्रमुख उत्पादक उपभोक्ता हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये आपके यहाँ से करेक्ट होगा, ओनली वन करेक्ट है यहाँ पर, ओनली तीन, मतलब तीनों में एक सही है। 79, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। फसल विविधीकरण, संरक्षण संरक्षण जुताई होगा यहाँ पर, ठीक है। फसलों के ठूट, मृदा का ढक जाना, ठीक है। पशुधन का एकीकरण, में से कितने पुनर्योजी कृषि के घटक हैं इसमें, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 79 का हो जाएगा। ये सभी जो हमारे हैं, चारों जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये सभी आपके कृषि के पुनर्योजी घटक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 79 हो गया। 80 नंबर है, युद्ध अभ्यास, अभ्यास किन देशों के सेनाओं के बीच एक सहयोगात्मक अभ्यास होता है, ठीक है, युद्ध अभ्यास। तो करेक्ट आंसर 80 का यहाँ से हो जाएगा आपका, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA। वैज्ञानिक विकास के संबंध में ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है, किसमें, करेक्ट आंसर यहाँ से 81 का हो जाएगा आपका, सी, कृत्रिम प्रणालियों की बुद्धिमत्ता का मापन करने के लिए, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे AMECA अल्टर 3 सोफिया और एटलस हैं, ये क्या हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 82 का आपका, ए, ये आपके ह्यूमनाइड रोबोट हैं, ठीक है, याद रखना आपको, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला 83, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। देखो यहाँ से अगर सोफिया नहीं देता तो आप नहीं समझ पाते कि क्या है, ठीक है। सोफिया देते तो आपको पता था कि सोफिया जो हमारा था ये रोबोट था, राइट। तो अगला 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। लर्निंग मशीन, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इनमें से कितने विनिर्माण क्षेत्र के श्रम शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 83 का आपका, ये सभी जो हमारे हैं ये विनिर्माण क्षेत्र में श्रम शक्ति को क्या प्रभावित कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 84, आर्टिकुलेटिंग रिसर्च पहल के लिए ऑगमेंटिंग जो आपका राइटिंग स्किल्स का प्राथमिक उद्देश्य है इनमें से कौन सा होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 84 हो जाएगा आपका, ये होता है आम जनता के लिए समझने योग्य जो आकर्षक विज्ञान लेख है उसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में PhD जो शोध करता है उनके लिए पोस्ट डॉक्टरल अधिकताओं की प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 84 का। 85, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और आपके राज्य दिए हुए हैं, राइट। तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो काकरापारा जो दिया हुआ है ये सूरत के पास स्थित है, गुजरात में, सूरत के ना कि राजस्थान। तारापुर सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तारापुर ऊर्जा जो है आपका महाराष्ट्र ना कि गुजरात। कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम आपका सही समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम, ये आपका जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि ये तमिलनाडु में चेन्नई के जो दक्षिण है वहाँ पर स्थित ना कि आंध्र प्रदेश। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। 86, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग DIE परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है एक कार्यकारी निकाय, इसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पर प्रभार के तहत इसको की गई थी ना कि किसी सांविधिक निकाय के अंतर्गत। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है, AERB राष्ट्रपति के
आदेश से बनाई गई एक कार्यकारी संस्था है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा ये भी गलत है, क्योंकि ये मूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों सदस्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगी, दोनों हमारे गलत हैं। डी यहाँ से आंसर हो जाएगा 86 का। ठीक है, 87 नंबर देखते हैं। भारत में परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पार्टिकुलेट रेडियोथर्मिता हटाने के लिए सभी गैसी अपशिष्टों के अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के माध्यम से वायुमंडल में निर्मुक्त यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तरल और गैसी अपशिष्टों को निर्मुक्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है आपका, वो जनता के लिए जो निर्धारित सीमा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निर्धारित सीमाओं को कम कठोर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपके यहाँ ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक कठोर हैं, कम कठोर नहीं है। सिर्फ इतना पॉइंट का आंसर होता, बाकी पूरा यहाँ सही था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन हमारा करेक्ट 87 में, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है भारत ने उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कांच में संविष्ट करने के लिए विट्रीफिकेशन जो आपका तकनीक है उसमें दक्षता हासिल कर ली। ठीक है, तीसरा भी आपका यहाँ से सही है, क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने कांच के उच्च स्तर में रेडियोधर्मी के अपशिष्ट को समाविष्ट करने के लिए विट्रीफिकेशन तकनीक की दक्षता हासिल कर ली है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा करेक्ट होगा, एक पहला करेक्ट था और तीसरा करेक्ट था, तो दो हमारे यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। 88 नंबर, परमाणु संयंत्र में मंदक एक ऐसा पदार्थ है जो उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है और न्यूट्रॉन को अवशोषण कम कर देता है। ठीक है, कम होता है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, IREL इंडिया लिमिटेड जो आपके पूर्ववर्ती इंडियन रेयर अर्थ है लिमिटेड, उसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। ठीक है, सेकेंड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खान मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का क्या उद्यम है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो दबाव युक्त भारी रिएक्टर हैं उसके लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश की जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। 90 नंबर, हाल ही में जन समाचारों में रहा बैले चली घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 90 का हो जाएगा आपका सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जो बैले चली घोषणा है ये हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो देखो, ब्रिटेन द्वारा ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के जो अन्य देश है इसमें व्यक्त करते हुए बैले चली घोषणा जो है आपका इसके प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उस पर सुरक्षा और सहयोग पर जो वैश्विक प्रयास है उसको बढ़ावा देना। 91, डीप फेक तकनीकी पर आपको विचार करना, इसमें भ्रामक छवि एवं वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता डीप लर्निंग तकनीक यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 91 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवाज़ की नकल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड आपका गलत है, क्योंकि ये जो हमारा AI मॉडल है ऑडियो डेटा फीड का विशिष्ट जो उपयोग है वो व्यक्ति की आवाज़ के समान के रूप में दोहराया जा सकता है, जिससे आवाज़ की नकल इसकी की जा सकती है। ये गलत हो गया। ठीक है, पहला सही था और दूसरा आपका गलत था। तीसरा देखते हैं, इसका उपयोग शिक्षा के एवं चिकित्सा के क्षेत्र में लाभकारी के रूप में यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। चौथा, ये वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का उपयोग करता है, इस प्रकार का चेहरा पहचान एल्गोरिदम है। ठीक है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि ये गहन शिक्षण कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे वेरिएबल ऑटो एनकोडर के रूप में किया जाता है, जो चेहरे की पहचान एल्गोरिदम के साथ मिलकर एक कलाकार दूसरे व्यक्ति के साथ बदलकर डीप फेक फिल्म बनाने की अनुमति दे देता है। ठीक है, तो ये जो चौथा है गलत हो जाएगा, दो गलत है और दो सही है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 92, क्वांटम डॉट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये नैनोकण इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार उनके गुण उसको निर्धारित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। दूसरा, देखो, जो अभी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया भी गया 2023 का, क्वांटम डॉट्स है ना, नैनोकण, उसकी खोज के लिए यहाँ पर दिया गया था, तो न्यूज़ में भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 92 नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर, इसका उपयोग डॉक्टर एवं जैव रसायनों द्वारा जैविक उत्तकों के मानचित्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा वो भी करेक्ट है। तीसरा, इनका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर एवं टेलीविजन स्क्रीन प्रदीपन के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी करेक्ट है। चौथा, क्वांटम परिघटना के कारण उनके आकार के आधार पर उनके अलग अलग रंग हो सकते हैं, राइट। चौथा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और चारों स्टेटमेंट हमारे 92 के जो क्वांटम डॉट्स उसके बारे में एकदम करेक्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको ये। 93, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 15 देश की 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी IISS द्वारा संचालित करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
93 का आपका पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये 15 देशों की 5 अंतरिक्ष एजेंसियां एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका संचालन करेंगी। 24 घंटे में ISS पृथ्वी की 12 परिकल्पना करता है जिसमें 12 सूर्योदय और सूर्यास्त शामिल होते हैं, ठीक है। सेकंड आपका गलत है क्योंकि 24 घंटों की करता है, ठीक है, ना कि 12, ये गलत हो जाएगा। एक वर्ष से अधिक समय तक किसी एक मिशन पर अंतरिक्ष सर्वाधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तीसरा यहाँ से आपका करेक्ट है क्योंकि 371 दिन मतलब एक वर्ष से अधिक, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो करेक्ट है तो आंसर केवल दो, केवल दो का मतलब दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। 94 इजेक्टा हेलो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्णन किसका करता है, किस वर्ड की मतलब किस वर्ड जो वर्ड है किसकी भाषा यहाँ पर बताता है इसकी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 94 का ए चंद्र लैंडर चारों ओर चमकीला धब्बा, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है WASP-10 7B अत्यधिक उच्च घनत्व वाला एक बहिर्ग्रह है जिसे हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा यहाँ पर खोजा गया था, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अंतरिक्ष यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन ये एक कन्वेंशन के लिए डिजाइन किया गया कि जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के हमारे ब्रह्मांड को आकार दिया, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली हमारा वन करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 96 है हाल ही में जन समाचारों में रहा नासा का लूसी मिशन, ठीक है, संबंधित है किससे, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा नाइन्टी सिक्स का सी, ठीक है। ये बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की खोज जो नासा का लूसी अंतरिक्ष यान है ये सबसे पहले क्षुद्रग्रह लक्ष्य के जो संदर्भ में चर्चा में रहा था। इस मिशन ने वैज्ञानिकों की जानकारी प्रदान की थी कि डिकिनेंस नाम की चट्टान वास्तव में दो चट्टानें थी, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज़ में था ये। अगला देखते हैं 95 हो गया, 96 97 नंबर निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। दक्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक सुदूर नौवाहन जो सुधीर संचालित वाहन है, ठीक है। तो 97 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा व्योम मित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा एक अंतरिक्ष यात्रा का ह्यूमनाइड रोबोट है, ठीक है। सेकेंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा मानव भारत का पहला 3D प्रिंटिंग ह्यूमनाइड रोबोट है जैसे दिल्ली में एक ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट होगा। तो तीनों हमारे करेक्ट है, तो 97 का आंसर हमारा तीनों करेक्ट होगा, ठीक है। तीनों में से आपका सभी तीन सी। 98 रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय जो रणनीति मसौदा जारी किया गया था, करेक्ट आंसर 98 का यहाँ से हो जाएगा आपका ये इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है। अगला 99 परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। परमाणु संलयन संयंत्र पर ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस विश्व का सबसे बड़ा परिचालन टोकामक ये संयंत्र है, ठीक है। पहला यहाँ से स्टेटमेंट जो 99 करेगा ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट पहला आपका यहाँ से गलत होगा क्योंकि ये जो यूके के ज्वाइंट यूरोपियन है उसके टॉरस की तुलना में लगभग 30-40% अधिक प्लाज्मा का धारण कर सकता है, जो सबसे बड़ा परिचालन टोकामक यहाँ हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपका विश्व का नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, हुआ करता था पहले बट अभी नहीं, ठीक है। टोकामक संयंत्र बहुत उच्च तापमान प्लाज्मा उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर भीतर हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं, तो ये मैंने स्टेटमेंट आपको बताया कि करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड वर्तमान समय में टोकामक संयंत्र संलयन अभिक्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तीसरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा क्योंकि दिसंबर 2022 में इतिहास में पहली बार नेशनल जो आपका इग्निशन फैसिलिटी थी उसमें अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अभिक्रिया को शक्ति देने के लिए प्रयोग की तुलना में संलयन अभिक्रिया से अधिक ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न की थी, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियों में से एक है, ठीक है। तो पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यहाँ पर किया गया था, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत होगा, राइट, क्योंकि ये 17 नवंबर 1966 को गठित सतत विकास लक्ष्य SDG 9
में यूनिडो का मुख्य तीन उद्देश्य को सूचीबद्ध किया गया था, उसमें से जिसमें से क्या क्या थे, एक तो आपके बुनियादी ढांचा निर्मित करना, समावेशी सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली वन यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो आपका जो टेस्ट नंबर 11 था, इसका जो विंटरशिप टेस्ट है, इसका टेस्ट नंबर 11 मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। ठीक है, दो दिन बाद मैं आपको टेस्ट नंबर 12 भी आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो वो करा दूंगा, उसके बाद जो विजन का कुछ अभी जैसे कि डेवलपमेंट का टेस्ट है, सोशल डेवलपमेंट का टेस्ट है, एनडीआर ग्रुप का टेस्ट है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। राइट, और जो यहाँ पर जो डेली टास्क चल रहा है, मैं यूट्यूब पर डालूँ डेली टास्क, उसमें आपको टास्क दिया था कि डेली से आपको जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम होना है 16 जून को, ठीक है, तो वहाँ से आपको पूरा कवर करना है, कब से कब तक आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डेली 5 से 6 आपको टॉपिक देता हूँ, वहाँ से आपको पूरा करना होता है वो। राइट, तो कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल भी लिंक नीचे लगा दूंगा, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।